दोस्तों, इस वीडियो में हम तीसरे भाग का वीडियो देखेंगे, जो कि मैंने दो भाग का वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया था विद्युत संकेत के ऊपर। यह तीसरे भाग का वीडियो है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे और महत्वपूर्ण सिंबल्स को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, ताकि इंटरव्यू वगैरह में या एग्जाम में अगर ये कुछ सिंबल्स आपके सामने आते हैं तो आसानी से आप उसको बना सकें। और दोस्तों, एक मेरा दूसरा भी चैनल है जिस पर मैं बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज शेयर करता हूं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले है हमारा वोल्ट मीटर एसी अब्लिक डीसी। यह जो वोल्ट मीटर का सिंबल मैं बनाऊंगा, यह एसी और डीसी दोनों के लिए होगा, ठीक है। इस तरह से आप वोल्ट लिख दीजिए, ठीक है। और एसी का अगर आप बना रहे हैं तो यह एसी का हो जाएगा, और डीसी का अगर आप बना रहे हैं तो वोल्टेज और एक इस तरह से आप डॉटेड लाइन बना दीजिए, यह आपका डीसी का वोल्ट मीटर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है वह है इलेक्ट्रिक फॉल्ट। तो इलेक्ट्रिक फॉल्ट का जो सिंबल होगा वो ये हमारा इलेक्ट्रिक फॉल्ट का सिंबल है। अगर कहीं पर ये सिंबल बना हुआ है तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया है, या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फॉल्ट होने की संभावना है, इसलिए अलर्ट रहिए। अगला है एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर जो हमारा है वह चूंकि उसी को हम KWH या यूनिट मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो KWH मीटर के लिए ये हमारा के एनर्जी मीटर का ये सिंबल हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद अगला जो है हमारा वह है पावर फैक्टर मीटर। तो पावर फैक्टर को हम cos phi से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक गोला साफ बना दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आप इस तरह से बना दीजिए, ये पावर फैक्टर मीटर का सिंबल हो गया। इसके बाद अगला जो है हमारा वह है सीरीज जनरेटर अब्लिक मोटर। तो आप एक जनरेटर अब्लिक मोटर लिख दीजिए, और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से आप एक कार्बन ब्रश बना दीजिए, ठीक, इस तरह से। चूंकि ये सीरीज है इसलिए इसकी आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों सीरीज में होंगी, तो ये हमारा सीरीज जनरेटर और मोटर का डीसी में सिंबल हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला जो है हमारा वह संट जनरेटर अब्लिक मोटर का सिंबल हो गया। तो संट है तो आप पहले तो इस तरह से आप जनरेटर अब्लिक मोटर, ठीक है, इस तरह से आप ये कार्बन ब्रश लगा दीजिए, ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इसके बाद ये हमने संट लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा संट जनरेटर अब्लिक मोटर का सिंबल हो गया। इसके बाद जो है हमारा वह कंपाउंड जनरेटर अब्लिक मोटर का सिंबल, आइए उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा कंपाउंड जनरेटर अब्लिक मोटर का सिंबल हो गया। इसके बाद अगला जो है वह है सिंगल फेस एसी अल्टरनेटर का सिंबल जो है वह देखिए वो कैसे बनता है। यह हमारा सिंगल फेस एसी जनरेटर का सिंबल हो गया अल्टरनेटर का। अगला है तीन फेस अल्टरनेटर का सिंबल। तो तीन फेस अल्टरनेटर जो हमारा होगा वह थ्री फेस, ठीक है, और ये हमारे तीन फेस हो जाएंगे आर वाई बी। तो ये हमारा थ्री फेस अल्टरनेटर का सिंबल हो गया। इसके बाद अगला है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का ये सिंबल हम देख लेते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर का हो गया। इसमें ये हो गई हमारी प्राइमरी, ये हमारी होगी सेकेंडरी, ये बीच में हमारा जो सिरकान स्टील का लेमिनेटेड कोर होता है वो चीज लगाई गई है। ये दोनों हमारी कॉयलें हो गई प्राइमरी और सेकेंडरी साइड की। अगला जो है हमारा वह है ऑटो ट्रांसफार्मर। देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर को दो सिंबल मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, चूंकि ऑटो ट्रांसफार्मर, देखिए पहली बात समझ लिए, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो कॉयलें होती हैं, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें केवल और केवल एक ही कॉयल होती है, वही प्राइमरी का भी काम करती है और वही सेकेंडरी का भी काम करती है। तो ये हो गई हमारी इसके ऊपर लेमिनेटेड कोर,
ठीक। और यहां पर आप ये कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल। मतलब यहां पे मान लीजिए अगर आपने फेस दिया है तो यहां इसको अगर आप यहां पे रखते हैं तो ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, और जैसे जैसे आप वेरिएट कराते जाएंगे रेजिस्टेंस बीच में इंक्लूड होता जाएगा, और आप आउटपुट इस वाले तार से आप लेंगे, ना कि यहां से आप आउटपुट लेंगे। आउटपुट आपको यहां से लेना है, तो आप जैसे जैसे वेरिएट कराते जाएंगे जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होता चला जाएगा। मतलब यहां पर आप करेंगे तो यहां पर मान लीजिए 220 वोल्ट है, तो यहां पर आकर के वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो यहां पर 180 ही मान लीजिए वोल्ट आपको मिलेगा। एक सिंबल और इसका होता है, वो भी देख लीजिए, कुछ जगहों पर यह सिंबल भी मिलता है, तो आप इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। कुछ जगहों पर ये सिंबल भी दिखाते हैं, ठीक। तो ये इस तरह से टैपिंग कर दी जाती है, सेम यही चीज है, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से कहीं कहीं बना दिया जाता है। तो ये टैपिंग करके हर टैप को निकाल लिया जाता है यहां से, ठीक। तो वो चीज हो गई। इसके बाद अगला है हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, देख लीजिए। ये हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सिंबल हो गया हमारा, ये है हमारा हो जाता है प्राइमरी, और ये हो जाता है हमारा सेकेंडरी, ठीक। और ये बीच में लेमिनेटेड कोर हो गई। इसके बाद अगला जो है करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल। करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों, यह इस तरह से ये हो गया हमारा। इसमें जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वह लाइन के सीरीज में होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारी लाइन हो गई, और इसके सीरीज में इसको हम डाल देते हैं करंट ट्रांसफार्मर को, मतलब सीटी को, माफ करिएगा दोस्तों, ये होता है हमारा सेकेंडरी और ये होता है हमारा प्राइमरी। क्योंकि देखिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी वो कहां पे जनरेट होगी, लाइन में, ठीक। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड इसके बाद किस में आएगी, इसमें हमारे आएगी, ये जो हमारी सीटी होगी। तो प्राइमरी कौन सा होगा, ये हमारा होगा जो हमारी लाइन होगी, और सेकेंडरी हमारा कौन सा होगा, जो ये हमारे यहाँ सीटी पड़ा होगा, ये हमारा सेकेंडरी होगा। इसके बाद अगला जो आता है वह है हाफ वेब रेक्टिफायर। तो हाफ वेब रेक्टिफायर का जो सिंबल होता है वह कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हमारा हाफ वेब रेक्टिफायर का सिंबल हो गया, ठीक। इसके बाद अगला जो है उसको ये देख लेते हैं, लास्ट जो है हमारा वह है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों के मन में, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कैसे हम बनाते हैं फुल वेव रेक्टिफायर को। ये देख लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यह जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है, देखिए इसमें यह है हिस्सा और यह है हिस्सा, दोनों एक साथ इस तरह से चलेगा, दो और दो इसके पीछे चलेंगे, ठीक है। मतलब इन दोनों सिरों के आगे वाले हिस्से दोनों एक साथ मिला दीजिएगा, और इन दोनों हिस्सों को एक साथ मिला दीजिएगा। मतलब यह हुआ कि जो हमारा कैथोड है, दो डायोडों के कैथोड को एक साथ मिला दीजिए, और दो डायोडों के एनोड को एक साथ मिला दीजिए, तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ से जो दो लाइनें निकलेंगी, तो ये हमारा इसमें से ये नेगेटिव होगा, और यह जो होगा हमारा वह पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर ये जो है एसी के लिए होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का सिंबल। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो दोबारा आप रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जो हमारा इसमें कैथोड है, दो के कैथोड को एक साथ मिला दीजिए और दो के एनोड को एक साथ मिला दीजिए, तो आपका फुल वेव रेक्टिफायर बन जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये 15 सिंबल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और आपके मन में और भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो
तो निश्चित ही कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना करके लेकर के आऊँगा जिससे आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक देखने के लिए आपका प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।